चॉकलेट का पेड़। बहुत समय पहले किसी शहर में एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में चिंकी और उसके मम्मी पापा रहते थे। उनके घर में शांति बाई नाम की एक नौकरानी काम करती थी। एक बार चिंकी के पापा शाम को घर आए और चिंकी से बोले, चिंकी अगले हफ्ते तुम्हारा बर्थडे है, बताओ तुम्हें इस साल अपने बर्थडे पर क्या चाहिए? पापा, गिफ्ट तो आप मुझे हर साल देते हो, लेकिन इस बार मैं आपसे एकदम अलग गिफ्ट लूंगी। तो बताओ इस बार तुम्हें क्या चाहिए? इस बार अपने बर्थडे में मैं अपने फ्रेंड्स को एक बहुत बड़ी पार्टी देना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी सी पार्टी अरेंज कर दूंगा। चिंकी की मम्मी ने भी शांति बाई से कहा, कल हम घर में चिंकी की बर्थडे पार्टी मनाएंगे, तुम भी अपने बच्चों को पार्टी में जरूर लाना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। शाम को घर का सारा काम खत्म करके शांति बाई अपने घर लौट गई। घर पहुंचकर शांति बाई ने अपने बेटे से कहा, गट्टू कल चिंकी का बर्थडे है, इसीलिए कल मालकिन ने तुम्हें घर पर पार्टी के लिए बुलाया है। अगले दिन शाम होते ही गट्टू शांति बाई के साथ चिंकी की बर्थडे पार्टी में आ गया। इतनी बड़ी पार्टी देखकर गट्टू बहुत खुश हुआ। इतनी बड़ी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसके बाद चिंकी ने केक काटा और सभी ने जम कर केक खाया। गट्टू भी केक खाकर और कोल्ड ड्रिंक पीकर बहुत खुश था। फिर जब पार्टी खत्म हुई तो चिंकी ने रिटर्न गिफ्ट में सभी को एक एक चॉकलेट दी। गट्टू, मेरी पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू चिंकी, तुम्हारी पार्टी बहुत अच्छी थी और केक और कोल्ड ड्रिंक भी बहुत स्वादिष्ट थे। फिर गट्टू चॉकलेट को देखकर सोचने लगा, आज तो मैंने बहुत कुछ खा लिया है, इस चॉकलेट को मैं कल खाऊंगा। और गट्टू शांति बाई के साथ अपने घर आ गया। अगली सुबह स्कूल से आने के बाद उसे चॉकलेट की याद आई, चलो अब चॉकलेट खाते हैं। लेकिन गट्टू ने जैसे ही चॉकलेट की एक बाइट ली, उसे वो चॉकलेट बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगी। ये चॉकलेट तो कल रात वाले केक से भी ज्यादा स्वादिष्ट है, लेकिन अगर मैं इसे सारी आज ही खा लूंगा तो मैं कल क्या खाऊंगा? नहीं नहीं, मैं इसे एक साथ नहीं खाऊंगा, बल्कि मैं इसे रोज थोड़ी थोड़ी करके खाऊंगा। और फिर उसने बाकी चॉकलेट को संभाल कर रख दिया। अब वो रोज उसमें से थोड़ी थोड़ी चॉकलेट खाने लगा। काश ये चॉकलेट कभी खत्म ना हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब गट्टू के पास थोड़ी सी ही चॉकलेट रह गई। ये सोचकर गट्टू बहुत उदास हो गया। ऐसे ही उदास मन से अगले दिन वो स्कूल से लौट रहा था। तभी उसे सड़क के किनारे एक जामुन का पेड़ दिखा। पेड़ देखकर उसने सोचा, मैं भी इस जामुन की तरह चॉकलेट का पेड़ उगा सकता हूँ, बस मुझे बाकी बची चॉकलेट को जमीन में दबाकर उस पर पानी ही तो डालना होगा। ये सोचकर वो जल्दी से अपने घर गया और बाकी बची चॉकलेट और एक बोतल पानी लेकर उस जामुन के पेड़ के पास आ गया। वहाँ उसने एक छोटा सा गड्ढा खोदा और चॉकलेट को उसमें रखकर उस पर पानी डाल दिया। वाह, अब जल्द ही मेरा भी चॉकलेट का पेड़ होगा और मैं रोज पेट भरकर चॉकलेट खाऊंगा। उसी समय एक बूढ़ा आदमी वहाँ से गुजर रहा था। गट्टू को यूं हंसता देख वो गट्टू के पास आया। क्या हुआ, तुम ऐसे अकेले खड़े हंस क्यों रहे हो? अंकल, मैं अपने पेड़ के बारे में सोचकर खुश हो रहा हूँ। तुम्हारा पेड़? क्या ये जामुन का पेड़ तुम्हारा है? नहीं, जामुन का नहीं, मैंने यहाँ जमीन में कुछ चॉकलेट दबाई है, अब यहाँ मेरा चॉकलेट का पेड़ उगेगा। क्या? हाँ अंकल। मैं खुश नहीं हो रहा,
बल्कि तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि इस तरह से चॉकलेट का पेड़ नहीं उगता, और तुमने लालच में आकर अपनी बाकी बची चॉकलेट भी बर्बाद कर दी। ये सुनकर गट्टू समझ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये मैंने क्या किया? लालच में आकर मैंने बाकी बची चॉकलेट को भी बर्बाद कर दिया। फल, सब्जियां और पिज्जा बर्गर। बहुत समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में दादा दादी और मम्मी पापा के साथ 8 साल का हिमांशु और 7 साल की हिमानी भी रहते थे। दोनों को बाहर का खाना बहुत पसंद था, इसलिए वो पिज्जा बर्गर तो बहुत शौक से खाते थे, लेकिन हरी सब्जी और फलों को खाने से हमेशा मना कर देते थे। नहीं, हमें सब्जी और फल अच्छे नहीं लगते। हमें बस पिज्जा और बर्गर अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों, अगर तुम फल और सब्जियां नहीं खाओगे तो तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएंगी और तुम्हें इस छोटी उम्र में ही चश्मा लगाना पड़ेगा। लेकिन वो कभी अपनी मम्मी की बात नहीं मानते थे। नहीं, हमें फल और सब्जियां अच्छी नहीं लगती। एक दिन मम्मी ने उन दोनों को अकेले में प्यार से समझाया। हरी सब्जियां और फल खाने से हमारी आंखें ठीक रहती हैं, और अगर तुम्हारी आंखें खराब हो गई तो तुम्हें चश्मा लगा कर रहना पड़ेगा। मम्मी के प्यार से समझाने पर हिमानी मम्मी की बात मान गई। ठीक है मम्मी, मैं आज से रोज हरी सब्जियां और फल खाऊंगी। लेकिन हिमांशु मम्मी की बात नहीं माना। नहीं मम्मी, पिज्जा बर्गर ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं वही खाऊंगा। अब मम्मी ने हिमांशु को समझाना बंद कर दिया। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। हिमानी रोज हरी सब्जियां और फल खाने लगी, और हिमांशु पहले की तरह पिज्जा बर्गर ही खाता रहा। एक दिन स्कूल में हिमांशु की टीचर ने उससे कहा, हिमांशु, ब्लैक बोर्ड पर लिखे सवाल का जवाब दो। लेकिन जब हिमांशु ने बोर्ड पर देखा तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दिया। उसने आंखें मसल कर फिर से देखा, लेकिन फिर भी सब कुछ धुंधला ही था। हिमांशु के जवाब ना देने पर टीचर ने उससे गुस्से से कहा, हिमांशु, क्या तुम्हें इतने आसान से सवाल का जवाब भी नहीं पता? रुको, मैं अभी तुम्हारे मम्मी पापा को स्कूल बुलाती हूँ। ये कहकर टीचर क्लासरूम से चली गई। कुछ देर बाद टीचर के फोन करने पर हिमांशु के मम्मी पापा स्कूल आए। मैंने हिमांशु से मैथ का इतना आसान सवाल पूछा था, लेकिन हिमांशु को ये भी नहीं पता कि 2+2 कितने होते हैं। क्या हिमांशु, तुम्हें इतने आसान सवाल का जवाब भी नहीं पता? लगता है तुम आजकल ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। नहीं मम्मी, मुझे पता है 2+2 4 होते हैं। तो तुमने टीचर को आंसर क्यों नहीं बताया? वो इसलिए कि मुझे बोर्ड पर लिखा सवाल दिखाई नहीं दिया। मैंने तुम्हें कहा था ना, हरी सब्जियां और फल खाया करो। देखो अब तुम्हारी आंखें खराब हो गई। अगर हिमानी की तरह तुम भी मेरी बात मानते तो तुम्हारी आंखें भी ठीक रहती। सॉरी मम्मी, आज से मैं रोज हरी सब्जी और फल खाऊंगा। हिमांशु को ऐसे रोता देख मम्मी समझ गई कि हिमांशु को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने हिमांशु को चुप कराते हुए कहा, ठीक है हिमांशु, जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब अगर तुम रोज हरी सब्जियां और फल खाओगे तो हो सकता है तुम्हारी आंखें फिर से ठीक हो जाए। तब तक के लिए चलो मैं तुम्हें चश्मा लगवा देता हूँ। मम्मी पापा के ऐसा कहने पर हिमांशु ने रोना बंद कर दिया, और पापा ने हिमांशु का नजर का चश्मा बनवा दिया। इस तरह हरी सब्जियां और फल खाने के कारण हिमानी की आंखें ठीक रहीं, और हरी सब्जियां ना खाने के कारण हिमांशु को चश्मा लगाना पड़ा।